बैठक के दूसरे दिन राम मंदिर के नींव पर फैसला ले लिया गया। बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय व सदस्यों ने नींव की डिजाइन पर अंतिम मोहर लगा दी है। अभी डिजाइन मुंबई के एक लैब में बन रहा है और फरवरी माह में प्रिंट होकर अयोध्या पहुंचेगा। हालांकि 40 फीट खोदकर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। नृपेंद्र मिश्र कल ही देव शिल्पी विश्वकर्मा की पूजा कर मलबा हटाने का काम शुरू करवा दिया था। अयोध्या के सर्किट हाउस में राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरे दिन की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में राम मंदिर की नींव को लेकर चर्चा हुई। टाटा व एलएनटी के इंजीनियरों द्वारा राम मंदिर की नींव के डिजाइन को प्रेजेंटेशन मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र समेत ट्रस्ट के पदाधिकारी सदस्यों के सामने दिया गया, जिस पर नींव के डिजाइन को लेकर सहमति बन गई। आया जा सकता है 12 मीटर। 12 मीटर का मतलब भारतीय 36 दिन 39, 40 फीट तक मलबा हटाया जा सकता है, तो कोई इसमें बाधा नहीं आएगी। लेकिन हटाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जहां देखेंगे अब ठीक है वहां रुक भी सकते हैं। लेकिन आम राय ये आपस की है, टाटा लार्सन टुब्रो और सोमपुरा और ट्रस्ट की ओर से जो एक और इंजीनियर हैं जगदीश आफले, कि अपने दिमाग में रखो कि 12 मीटर तक जा सकते हैं। डेड लाइन तय नहीं करना, इंजीनियरिंग साइड परिस्थितियों को देखकर चलती है, इतना ही। सर, न्यू की डिजाइन के लिए प्रस्तुत होने की अभी 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 समय लगेगा। जितने दिन में ये काम होगा उतने दिन ड्राइंग बन जाएगी। इसलिए मैंने कहा ना, क्या काम साथ साथ चल सकते हैं, कौन सा काम वन बाय वन होगा। तो ड्राइंग बन रही है मुंबई की लेबोरेटरी में, ये काम यहाँ हो रहा है, दोनों का कोई विरोधाभास नहीं है। वो आ जाएगी 10-15 दिन में, सोच लेंगे। फिर ड्राइंग आ जाएगी, फिर सोचेंगे इस ड्राइंग में जो मटेरियल लगना है वो कहाँ से आएगा। तो इसलिए ये काम अलग है, ड्राइंग कागज पर बनती है, वो डिजाइनर बनाता है, वो चेन्नई में बैठे हैं, फिर वो उसमें मटेरियल बताएंगे, मटेरियल क्या लगना है ये एक थर्ड पर्सन तय करेगा, फिर उस मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कितनी ड्यूरेशन में मिलेगा, ये एक अलग 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 इंजीनियरिंग के कैलकुलेशन है। ये ऐसा नहीं है कि मकान बना रहे थे, बाजार से गए और एक बोरा सीमेंट खरीद लाए, ऐसा नहीं है। बहुत प्लानिंग के साथ सब चल रहा है, उसी प्लानिंग को सब लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया, सब ने उसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, एंड ऑल आर वेरी हैप्पी। नया नया कुछ होता है, कुछ नया पकता है, ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं। जो काम हो रहा है उस काम की प्रगति का रिव्यू करना, उस काम में कोई बाधाएं आती हो तो उनको दूर करना, और हर एक का उसके बारे में अभिमत जान करके लेना, यह बैठकों का उद्देश्य होता है। इसी दृष्टि से यह बैठक हमारे सारे काम के रिव्यू की थी, यानी पुनरीक्षण की, समीक्षा की थी, और हम लोगों को इन बैठकों से अब ऐसा लगने लग गया है कि सभी के मन मिल करके और काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसका प्रत्यक्ष हम लोग अगले महीने से देखना और आरंभ कर देंगे। बाइकन में क्या डिजाइन का कोई तैयार हुई नहीं? डिजाइन तैयार होकर के हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन डिजाइन के लिए जो सूचनाएं देनी चाहिए और उनको जो जानकारी उनकी आवश्यक थी, अपेक्षित थी, उसको पूरा करने का काम हो गया। उनको समय भी दे दिया गया, फरवरी में डिजाइन न केवल आएगा बल्कि काम का आरंभ भी हो जाएगा।